नहीं कि अब ना हकदार ना दे अब हमको बना दे तब अबू तब ना लोग ले आई अब तब हां ये बात तो लोगवा जीतईबे ना जाय दी ना जीते तो का करे जे जीते वाला वैसे जीते पहले बार लोग देख लेला इसके लूट के खा के पचा गई हां बात से तो भी मुखिया के बुलाई उहे न खइले बानी वार्ड जी कहतानी कि मुखिया जी सब पैसा ले लेने तो पूछ लेगे मुखिया जी के से मतलब बढ़िया मुखिया जी सचिव 3-3 लाख क के 3 बार ले ला लो ओकरा बाद और ले ला लो भ्रष्टाचार में सम्मिलित जो जई है वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है जो सरकारी कर्मचारी है इंजीनियर एजाई ये अगर सही रहता तो इसका एमबी बुक ओके नहीं हुआ होता लेकिन वही लोग चोर है उन लोगों की चोरी के चलते यहाँ पर जो नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट आता है धरातल पर उतारने के लिए सही से नहीं उतर पाता है अब मान ली इतना घोटाला भइल बा आपके वार्ड में फिर बेरी लोग आपके उठ दी कहे ना देव लो तो फिर करे बाप अपना हते करे लूटे काहे लूटे पिछला बार तो लूट के दिखा दे नहीं। ना तो लूट के हम कहाँ देखल मिला तो यहाँ पर देखिए गांव के लोग भी हैं यहीं पर वार्ड सदस्य जी भी है ये बोल रही है कि 2.5 साल तक लोगों के लिए पानी में दिया और यहाँ गांव के लोग बोल रहे हैं 2-2.5 दिन मिला। इस समय हम लोग सिवान जिले के दरौली प्रखंड के चकरी पंचायत में आए हुए हैं। ये 13 नंबर वार्ड है। अब यहाँ पर चुनाव पंचायती चुनाव शुरू हो चुका है। 18 से लेकर 24 तक नामांकन प्रक्रिया चला था। ब्लॉक पर भी आप लोगों को दिखाया था। अब यहाँ पर जितने भी मुखिया अपना अपना विकास बोले हैं कि अपने वार्ड में अपने पंचायत में वो लोग कितना विकास किए, अब हम जो जो बोले हैं धरातल पर आकर दिखाएंगे। अब जितने भी मुखिया से वहां पर क्वेश्चन किया गया था, पूछा गया था आपके पंचायत में काम हुआ है या नहीं, सब यही बोलते नजर आ रहे थे कि मेरे पंचायत में विकास बम बम बोल रहा है, जितना वार्ड है सब में नल जल का पानी इस समय भरपूर मिल रहा है। लेकिन चलिए हम लोग इस समय आकर धरातल से दिखाते हैं जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। यहाँ पर वार्ड सदस्य और मुखिया जी मिलकर कितना उनको टच किए हैं, उसमें दलाली कितना किए हैं, भ्रष्टाचार कितना किए हैं, वो हम आप लोग को दिखाएंगे। ये चकरी पंचायत है। वार्ड का क्या नाम है चाचा जी? वार्ड का माला देवी नाम है। माला देवी नाम जी, है जी, जी। आपके घर में पानी जाता है? नहीं जा रहा है। कितना दिन हो गया नहीं गया? अरे 2-3 दिन गया था, उसके बाद बंद है, क्लोज है। जब शुरू हुआ था जब लगा था पाइप 2-3 दिन गया। बस बस बस। अब यहाँ पर देखिए मुखिया जी जो बोल रहे थे विकास भरपूर किए हैं अपने पंचायतों में, अब वोट के लिए ऐसे बोलते हैं सब लोग, वार्ड भी लगे हुए थे, लेकिन जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नीतीश कुमार का धरातल पे लोग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किए हैं, लूटे हैं, कसोटे हैं, खाए हैं, हर चीज किए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर पहला घोटाला दिखा रहा है, यहाँ पर एक ही टंकी लगा है, हर जगह 2 लगता है, यहाँ पर एक ही है, वो भी लगने के 2 दिनों तक पानी दिया गया लोगों को, उसके बाद किसी को पानी ही नहीं मिला है, उसके बाद ये चला ही नहीं है। वैसे नीतीश कुमार जी आप भी देख लीजिए, ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं, आप कागजों पर जो लोग आपके पास कागज लेकर जाते हैं, आपके सेक्रेटरी, आपके मंत्री, जितने भी चेला चपाट है ले जाते हैं, दिखाते हैं आपको कि इतना परसेंट, 96, 94, 98, 99, कुछ दिन बाद आप 100% कर देंगे कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो सपना था धरातल पे उतार दिए हैं, पूरा विश्व में डंका बजा चुके हैं कागजों में, लेकिन धरातल पे विकास कुछ भी नहीं हुआ है, वार्ड सदस्यों द्वारा या मुखिया द्वारा कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए टंकी के ऊपर भी चलकर दिखाएंगे और गांव के लोगों से भी पूछेंगे। यहां पर एक आदमी से पूछे, वो बोले कि मेरे घर में जब टंकी पानी लगा था तो 2 दिन पानी मिला, उसके बाद मिला ही नहीं है। अब वार्ड से भी बात करेंगे और मुखिया जी से भी बात करेंगे कि आखिर में इसमें नीतीश कुमार जी कमी कहां कर दिए कि आप लोग यहां धरातल पे 100% जितना कागजों में वो दिखाते हैं उतना नहीं उतार पाए। लेकिन यहां से जई भी वैसा ही घोटालेबाज है, बंदरबाट करने वाला, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त यहां आने के बाद, इंजीनियर सरकारी इंजीनियर है, ऐसे ही घोटाले में लिप्त उन्हीं लोगों के चलते यहाँ पर जमीनी स्तर पर घोटाले होते हैं। यहाँ पर इसका एमबी बुक बन गया होगा, इतना क्लियर है बन गया होगा एमबी बुक और कागजों में, इसीलिए नीतीश कुमार बैठकर अपने ऑफिस में बोल रहे हैं कि 96% पानी हर घर में पहुंचा दिया गया है, यहाँ पर नहीं बना। ए वार्ड जी है, चाबी लाई है, आप वार्ड है ना? वार्ड है। क्या नाम है आपका? माला देवी। क्या हुआ, हर जो टंकी बनता है हर किसी पर 2 टंकी लगता है, आपके ऊपर संख्या कम बा? संख्या के ऊपर न हुई, संख्या कम बा, हमारा नल जल भी कम बा। हाँ तो अच्छा, इससे खोलिएगा, बोर्ड है इसमें? हाँ बोर्ड बा, थोड़ा खोलिएगा।
बाबू के लगा बाबू के दिल नहीं राम चाबी नहीं है जरूरत ही नहीं पड़ता है। नहीं जरूरत तो नहीं बिगड़ रहा तो दिल नहीं बनावे के तो ई जहां कई साल से बिगड़ल बा कई साल से का दो तीन महीना भइल चलत ना गांव में की शुरू गांव के लोग पानी पीते हैं उन्हीं लोगों के लिए लगा है दो अढ़ाई बरस पानी खूब बढ़िया चला हां और ओकरा बाद एने जाकर नल जल हमर तन बिगड़ कब ये बैठा था कब लगवाई थी अरे अभी हमरा उतना याद नहीं का मुखिया सची कितना दिन दो से तीन दिन तक पानी चला एक मिनट कब ये लगा था एक दिन चलल बा अच्छा पानी मिल रहा एक दो दिन चलल यही पर हमारे पब्लिक भी है देखिए यही पर गांव के लोग भी हैं पर सफाई भी नहीं हुआ आज तक तो सफाई भी नहीं हुआ पानी भी नहीं मिला तो हम यहाँ पर देखिए गांव के लोग भी हैं यहीं पर वार्ड सदस्य जी भी है ये बोल रही है कि ढाई साल तक लोगों के लिए पानी में दिया और यहाँ गांव के लोग बोल रहे हैं दो ढाई दिन मिला क्यों आप लोग ऐसा क्यों किए सर देखिए ये मैं मुखिया सचिव ये बनावल लो हमारा के कहलो की तुम मेहरारू दरबार बढ़ू तारा ना हो पाई हम हमारा लिया चली लो अच्छा कितने का प्रोजेक्ट है मालूम है आपको हाँ 11.5 लाख रहा है 11.5 लाख बुढ़वा पर लिखल बा 11 लाख तो 11 लाख थोड़े बाबी खाता में बढ़ले बा 1,19,000 कुछ रुपया बुढ़वा पर कितना लिखल बा और बुढ़वा पर मुखिया ने जानते हैं कि कितना लिखवाले बने हम तो जानते नहीं पैसा कोई फंड में कई बार में दे रहा चार बार लिखल रहा चार बार में कितना कितना करके 3-3 लाख रुपया तीन बार लिखल 9 लाख हो गए हाँ और फिर 1.5 लाख रुपया ये खाली ली 10.5 लाख हो गए हाँ ये भर खर्च बा आ फिर रिपेयरिंग करावे के भइल तो 15,000 उतरले रहनी तो वे रिपेयरिंग करावनी तले बरखा दुनिया का हो तो 10,65,000 भइल और अभी आप बोल रही थी 11.5-11.5 लाख लगा है 11.5 लाख लाल पर्ची हुई सब रजिस्टर पर बा अब तो हम पढ़ल लिखल नहीं की हम बता दे खतवा में वगैरह कितना बचा रहा है अभी इतना हमरा नहीं खेद है हम खाता में हम ये ठीक करा के लिए एमबी बुक बन गिल बा हाँ ये किंग बन गिल बा मुखिया बनवा ले बनी मुखिया ने बनवा ले बनी हमारे नल जल नहीं तो थोड़े बनवा ले बनी मुखिया बनवा ले बनी और पैसा का है देन ये सारी बताएं कि जब भेजी गया नोटिस पर चढ़ गए लेकिन आज जल्दी बनवाई बेकर मुखिया जी के कितना पैसा देनी सब मुखिया जी के देनी थी सब मुखिया जी खाली हमरा के साइन पर ले ले रविंदर बैठा रविंदर बैठा हां हम झूठ ना बोले सर जी जो हम कहले बन तो कहबे करे अब मान ली है तना घोटाला भइल बा आपके वार्ड में फिर बेरी लोग आपके उठ दी काहे ना देब लो तो फिर करे बाप अपना होते करे बाप लूटे काहे लूटे इतना पिछला बार तो लूट के दिखा दे नहीं ना तो लूट के हम कहां देख ले बनी जे तो लोग खुद को दे के लूट ले बा के नहीं के लूट ले हां अपन पर काहे झाड़ देनी सिग्नेचर वा तो रहुए ना कहनी हम ही कहनी सर तो मुखिया सिग्नेचर करे के पहले ना सोचने ना करत रहनी तो मुखिया जी कहनी कि तू मेहरारू दरबार बड़ू दहन के कह देब सर अच्छा जब हम करा देनी तो हमरा के कुछ बुझबे ना कर लो खाली वो साइन करे भत हम जानले बनी अब जान बनी कि अब यंग हकदार ना दे अब हम कब ना दे तब अबू तब ना लोग ले आई अब तब हां ये बात तो लोग जीतेबे ना जाए दी ना जीते पक्का करे जे जीते वाला वैसे जीती पहले बार लोग देख लेला इसकी लूट के खा के पचा गई हां बात से तो मुखिया के बुलाई उहे न खैले बनी मुखिया खैले बनी सचिव खैले ओकर ये लोगन खैले बा गड़बड़ी तोर में रहे सिग्नेचर कर देला लो मुखिया जी जी हम मनिंदर सिंह बोलता नहीं दबंग 24 न्यूज चैनल से मुखिया जी 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 भैया जी भैया बोलिए मुखिया जी रहुआ टंकी के लगे आइल बनी 13 नंबर वार्ड में रहुआ पंचायत में आई टंकी में तो कुछ पानी नहीं के निकला एगो टंकी भी ऊपर लागल बा हर टंकी में देखे नहीं दूगो लागल अब तो तने अभी बाने हम ओजो जो एक्सीडेंट हो बोल बा ओजो एक बा ओजो बने दुआ के हां कुछ ही पर बोल ना सके नहीं ना अब बोले का बा जैसे उस 100 घर का रहल ठीक बा नहीं 100 घर में तब दो गो लागेला ना ना वो बेरा वो के 5000 लीटर सुनी ना वार्ड जी कहत नहीं कि मुखिया जी सब पैसे ले लेने हां तो पूछ ले कि मुखिया जी के चकवा दले बड़ी का मुखिया जी सचिव 3-3 लाख क के तीन बार ले लो ओकरा बाद और ले लो हां तो कोई चकवा मुखिया जी के दले बड़ी का हो हाँ उहे ना कह तारी मुखिया जी के इमे बाड़ी हाँ मुखिया जी के चकवा उदे दल बड़ी उहे कह तारी मुखिया जी के हम चेक दे दल बानी साइन कर मुखिया जी वार्ड बन गली मुखिया जी के चेक साइन कर दे दल बड़ी कौन सबूत रख ले बड़ी सबूत रख ले बड़ी कि मुखिया जी के साइन कर ले बड़ी हाँ दे दल बड़ी हाँ ले जाके पैसा अपना ठेकेदार के ट्रांसफर कर लिए या अथी कर ले बड़े या आरोप लगा उतरे दूसरा पर हाँ वो तो कई लोग रहा बीच में बोलता रही कि हम मुखिए जी के दे देनी साइन करके और रहुआ कहा था नहीं वो ले जाके ठेकेदार के दे देनी
लफड़ा हमनी से हमारा से कोनो लफड़ा नहीं है। उ लोग ले जाके सीसी ओकर बैंक से कह जे सीसीटीवी फुटेज निकलवा दे रउआ माने मान ली मुखिया रहनी पंचायत रउआ ई सब ध्यान ना आइल कि काम कैसन होता बढ़िया होता या खराब होता लोग के पानी या ना मिले काम काम जोन बात तो बढ़िया भइल बा ठीक बा काम खराब ना भइल रहल पानी चलल सबसे पहले उजे पानी चालू हो गए ठीक बा लोग कहता दू दिन मिलबे कहिल गांव के लोग ना ना पानी चालू हो गए पानी उजे मिलल ओकरी बाद से उका भइल कि वार्ड जोन बाड़ी तो वार्ड के शिथिलता के कारण जोन बा कि उ पेंडिंग में काम चलता वो लोग मान लिया रिपेयर करे के भी 12,000 रुपया दिया धीनी ओकरी बाद पैसा उ का कैली का ना कैली अल्ले के ओकर हिसाब आइल ना देली कितना बेर मंगाइल तब वो कुछ बोलत नहीं थी। अच्छा एमबी बुक तो हाँ एमबी बुक तो हो गई हुई बताई इतना अधूरा काम भाई किंग अब इला जाई कितना ले ला सी सही बताए। अरे भाई जेई एको पैसा नहीं ले ला जेई के का नाम है जेई नागेंद्र जी बाणे बरा नागेंद्र हाँ पूरा नाम नागेंद्र राम नागेंद्र राम ई कैसे एमबी बुक ओके कर देला हां वही पर कई आली कंप्लेन भइल बा ठीक बा एक बे कंप्लेन भइल ओकर नोटिस आइल जे नोटिस दे के गइल ओकरी बाद भी वो कुछ नहीं की करत हमनी के मान ली कि हमनी के कहला कोनो असर नहीं खेव कराउ चली मुखिया जी चल ठीक बा नागेंद्र राम। अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से आकर आप लोगों को मैं टंकी दिखा दिया यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 100 घरों के लिए पानी सप्लाई होता है यहाँ पर लेकिन एक ही टंकी लगा है। हर जगह मैं दो देखता हूँ 100 घरों में पानी जाता है तब पर भी दो रहता है लेकिन यहाँ पर मुखिया जी बोल रहे हैं 100 घर था कम था इसीलिए हम लोग एक लगाए लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार में सम्मिलित जो जई है वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है जो सरकारी कर्मचारी है इंजीनियर एजाई ये अगर सही रहता तो इसका एमबी बुक ओके नहीं हुआ होता लेकिन वही लोग चोर है उन लोगों की चोरी के चलते यहाँ पर जो नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट आता है धरातल पर उतारने के लिए सही से नहीं उतर पाता है। यहाँ गांव के लोगों से भी कई लोगों से पूछ कर दिखा दिया आप लोगों को किसी के घर में पानी नहीं जाता है। जब लगा था उस समय दो दिन पानी गया था उसके बाद पानी ही नहीं जा रहा है। बोर्ड भी अंदर बंद है इस वार्ड के पास इसका चाबी भी नहीं है शायद खोलने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी और उसके बाद हर चीज अधूरा है। किसी के पाइप तो इस समय टूट ही गया होगा गांव में आपको मालूम है आपके घर में जाता है पानी नहीं सर। पाइप का हालत कैसा है सब उखड़ गया है कि वैसे सर मेरा यहाँ घर नहीं है मैं आया हूँ हित में आया हूँ हित है। चलिए यही पर बंद करते हैं इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह कैमरामैन चंद्र प्रकाश दुबे के साथ दबंग 24 से धन्यवाद।